अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब का सबसे सस्ता वीज़ा के बारे में। बहुत सारे मेरे भाई मुझे अक्सर ये पूछते हैं कि सऊदी अरब का सबसे सस्ता वीज़ा कौन सा है, बताइए। तो कुछ वीज़ा के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा। हालांकि सऊदी अरब का जितना भी वीज़ा है उस पर सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ प्राइस के साथ में कि कौन सा वीज़ा कितना कॉस्टली रहता है। तो देखिए, सबसे सस्ता अगर हम कहें तो उम्रा वीज़ा से सस्ता कोई भी वीज़ा नहीं होता है सऊदी अरब का। उम्रा वीज़ा मार्केट में कोई 13,000 में बेचता है, कोई 13,000 से कम में बेचता है। एवरेज अगर बोले तो 13,000 से कम में आपको उम्रा वीज़ा मिल जाएगा। उम्रा वीज़ा अभी 90 डेज़ का होता है, तो 13,000 से कम में आपको 90 दिन रुकने का वीज़ा मिल जा रहा है। इसके अलावे ये वीज़ा जो है सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। एक बार अगर ये वीज़ा लेकर के गए, दोबारा वापस आ गए सऊदी से, तो फिर नहीं जा सकते इस वीज़ा में। सिंगल एंट्री का मतलब ही होता है कि एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीज़ा को लेने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर बैठे बैठे आपको मिल जाता है। कहीं से भी कोई भी ट्रैवल एजेंट या कंसल्टेंट से ये वीज़ा को आप ले सकते हैं। बस आपका पासपोर्ट फ़ोटो स्कैन कॉपी देना होता है, 24 घंटे में वीज़ा भी आ जाता है। तो सबसे फास्ट और सबसे सस्ता उम्रा वीज़ा ही होता है। इसका सर्विस मैं भी देता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उम्रा वीज़ा के बाद जो सस्ता वीज़ा होता है वो हम कह सकते हैं फैमिली विज़िट वीज़ा। फैमिली विजिट वीज़ा मल्टीपल भी रहता है, सिंगल भी रहता है, दोनों का कॉस्ट सेम रहता है। कितना कॉस्ट है इसका? 35 रियाल आपको सऊदी में खर्चा होता है फैमिली वीज़ा के लिए। 35 रियाल यानी राउंड फिगर में अगर देखें 700 या 750 रुपये इंडिया का। और VFS में वीज़ा स्टैम्पिंग कराने का जो फीस है वो फीस कितना है? नॉर्मल 13,000-14,000, लाउंज में 18,000-19,000। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है कि VFS का लॉन्च सर्विस क्या है, नॉर्मल सर्विस क्या है, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो एवरेज अगर हम देखें 15,000 से नीचे में आपको फैमिली वीज़ा मिल जाता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये कि आप में से कोई अगर फैमिली विजिट वीज़ा लेना चाह रहे हो तो आपका कोई फैमिली मेम्बर सऊदी अरब में काम करना चाहिए, वो काम कर रहे उधर, उनके पास इकामा है, वही आपको ये वीज़ा दे सकता है। जिसका फैमिली मेंबर में से कोई है सऊदी अरब में, सिर्फ वही दे सकता है फैमिली वीज़ा। जिसका कोई नहीं है, दोस्त यार है, उनको नहीं मिल सकता, ठीक है। तो फैमिली वीज़ा भी अच्छा वीज़ा है, 15,000 से कम में आपको ये वीज़ा मिल जा रहा है। प्लस ये वीज़ा मल्टीपल एंट्री रहता है, एक साल तक का रहता है। एक साल में 90 दिन में बढ़ाना पड़ता है, लेकिन 15,000 से कम में आपको एक साल का फैमिली वीज़ा अगर मिल जा रहा है तो ये भी सस्ता ही है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मैं रखा हूँ टूरिस्ट वीज़ा को। टूरिस्ट वीज़ा को मैं तीसरे नंबर पे इसलिए रखा हूँ, अभी पर्सनल विजिट वीज़ा बंद है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए चालू है लेकिन इंडिया पाकिस्तान के लिए बंद है। लेकिन पर्सनल विजिट वीज़ा भी बहुत अच्छा वीज़ा है। कोई अगर सऊदी दोस्त यार है या किसी के ज़रिए कोई सऊदी से ये वीज़ा निकालते हो तो ये बहुत सस्ता हो जाता है। सऊदी मान लो 150 जितना भी लिया, 200-300 रियाल दे दिए उसको, 2,000-3,000 इंडिया का, और VFS में आप पे कर दिए वही सेम लॉन्च में 18,000-19,000 और नॉर्मल में 13,000-14,000 यानी 15,000 से कम में। तो पर्सनल विजिट वीज़ा भी अच्छा ऑप्शन था इंडिया पाकिस्तान वालों के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है, कब चालू होगा पता नहीं। इसलिए तीसरे नंबर पर मैंने रखा है टूरिस्ट वीज़ा को। टूरिस्ट वीज़ा का टोटल खर्चा कितना है? देखिए, अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ VFS का फ़ीस आपको देना है, वीज़ा आपको मिल जाएगा। VFS का फ़ीस कितना है? वही सेम है हर वीज़ा के लिए, नॉर्मल 13,000-14,000, 15,000 रख के चल रहे, लाउंज में 18,000-19,000। बाकी टूरिस्ट वीज़ा में ना डॉक्यूमेंटेशन का झमेला रहता बहुत। क्या क्या झमेला? देखो, एक तो आपको आइटिनरी बनाना पड़ता है, टिकट, फिर होटल बुकिंग, फिर आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है, कवरिंग लेटर बनाना पड़ता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बाकी डॉक्यूमेंट पूरा रेडी करना पड़ता है, उसके बाद VFS में जाना पड़ता है। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि VFS वाले आपको तंग नहीं करेंगे, नहीं तो VFS वाले बड़ा तंग करते हैं।
और इसका भी गारंटी नहीं है कि वीज़ा आपको लगेगा ही 100%, रिजेक्ट भी हो सकता है। सबसे मेन चैलेंज हो जाता है बैंक बैलेंस को मैनेज करना, है ना, क्योंकि 1 लाख के करीब में आपको लास्ट 3 महीने का ट्रांजेक्शन दिखाना पड़ता है, 1 लाख 1.5 लाख, तभी ये वीज़ा लगता है। तो टूरिस्ट वीज़ा भी बच्चा बड़ा सबके लिए सेम चार्ज होता है, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा रहता तो 1 साल मल्टीपल एंट्री, लेकिन सिर्फ आप इसको 90 दिन ही यूज़ कर सकते हैं, यानी 1 साल के अंदर सिर्फ 90 दिन रुक सकते हैं, फैमिली वीज़ा से कम, पर्सनल वीज़ा से कम। चाहे आप एक ही बार में 90 दिन रुक लो, या पूरे 1 साल में कभी 10 दिन रुको, कभी 5 दिन रुको, ऐसा करके टोटल 90 दिन रुको, लेकिन 90 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते। यहाँ तक क्लियर हुआ टूरिस्ट वीज़ा का। इसके बाद मैंने लास्ट नंबर पे रखा है बिजनेस वीज़ा को। बिजनेस वीज़ा भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं। अभी तो पर्सनल वीज़ा बंद है, इसलिए बहुत सारे लोग बिजनेस वीज़ा लेके जा रहे हैं। जो लोग आज़ाद वीज़ा लेते थे पहले, वो लोग भी अब बिजनेस वीज़ा को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आज़ाद वीज़ा से बहुत सस्ता जो है बिजनेस वीज़ा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा में जो रिस्ट्रिक्शन से इतना सारा मनाही हो गया, इसलिए लोग बिजनेस वीज़ा ले रहे हैं। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में मैं कंपेयर करके समझाऊंगा आप लोगों को कि आज़ाद वीज़ा और बिजनेस वीज़ा में कौन सा वीज़ा अच्छा है, दोनों वीज़ा में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलता है, कैसे खर्चा बचता है और क्या क्या रूल्स हैं। तो बिजनेस वीज़ा देखिए, होता तो 1 साल के लिए है, 1 साल मल्टीपल एंट्री, जितना मर्जी आना जाना कर सकते हैं, और इसमें भी VFS का जो फीस है ना वो सेम है। VFS का वीज़ा स्टैम्पिंग का फीस सेम ही रहता है, जितना भी विजिट वीज़ा है, नॉर्मल में वही 13-14 हज़ार, 15 हज़ार मान के चल रहे हैं, लाउंज में 18-19 हज़ार, ये VFS का फीस। लेकिन बिजनेस वीज़ा में आपको बाकी और भी कई डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ता है। अगर आप बिजनेस वीज़ा में जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको कोई कंपनी का इन्विटेशन चाहिए, सऊदी अरब का कोई ऐसा कंपनी जो चैम्बर के साथ में एग्जिस्ट करता हो, उसका आपको इनविटेशन चाहिए, यानी जो कंपनी सऊदी अरब में है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सर्टिफाइड है, वो आपको इनवाइट करे। वो मेंशन करते हैं कि ये प्रोफेशन है आपका और आपको हम कंपनी में विजिट के लिए इनवाइट कर रहे हैं, बाकायदा इनविटेशन निकालता है, जैसे पर्सनल वीज़ा में इनविटेशन निकलता है फैमिली वीज़ा में, वैसे ही बिजनेस वीज़ा में इनविटेशन निकलता है। इनविटेशन के साथ में उस कंपनी का CR अटैच करना पड़ता है, ये डॉक्यूमेंट। उसके बाद इंडिया में आपको एक कंपनी में या तो बड़े पोजीशन पे जॉब कर रहे हो या कोई कंपनी के ओनर हो, वो पेपर आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ता है VFS में, तभी एम्बेसी जो है आपको बिजनेस वीज़ा देती है, नहीं तो नहीं देता है। हालांकि बिजनेस वीज़ा में बहुत सारे डॉक्यूमेंट रेडी करना आसान नहीं रहता है, टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारे इंडिया के ऑफिसेस हैं, सऊदी के क्लाइंट्स हैं, जो मेरे से बिजनेस वीज़ा लेते हैं, क्योंकि मैं इजी प्रोसेसिंग करके देता हूँ। मेरा अपना जो कंपनी है, बहुत सारे कंपनी के साथ में मेरा लिंक है, मैं उनका CR के साथ देता हूँ, और इंडिया में भी अपना बहुत सारा कंपनी है, मैं उनका प्रोफेशन के जरिए उनका वीज़ा लगाता हूँ। तो बिजनेस वीज़ा खुद से लेना थोड़ा टफ हो जाता है, बहुत डॉक्यूमेंट रहता है ना, उतना डॉक्यूमेंट अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। टूरिस्ट वीज़ा चलो मैनेज हो भी जाता है, हालांकि टूरिस्ट वीज़ा में भी कई लोगों का लफड़ा हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग मगजमारी नहीं चाहते, बाहर से करा लेते। तो देखिए, बिजनेस वीज़ा का खर्चा 50,000 से नीचे ही रहता है, 40,000 से ऊपर रहता है, लेकिन 1 साल का। अब आप लोग कंपेयर कर लेना कि कौन सा वीज़ा सही होगा आपके लिए। बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट होता है दिन के हिसाब से भी, कुछ लोग बस एक बार जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए उम्रा वीज़ा बेस्ट। कुछ लोग बार बार आना जाना करना चाहते हैं लंबा टाइम के लिए, उनके लिए पर्सनल वीज़ा या फैमिली वीज़ा या फिर बिजनेस वीज़ा भी अच्छा है, टूरिस्ट वीज़ा भी अच्छा है, डिपेंड करता है आपका रहने का इरादा कितना दिन का। ये जितना भी वीज़ा मैंने बताया ना, सबका सर्विस मेरे पास है। फैमिली वीज़ा में अगर किसी की कंपनी चैम्बर नहीं कर रहा, तो चैम्बर का सर्विस अवेलेबल है हमारे पास, मैं चैम्बर करवा के दे सकता हूँ वीज़ा अप्रूव करा के। टूरिस्ट वीज़ा चाहिए वो भी देता हूँ, पर्सनल वीज़ा भी तो बंद है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश के लिए चालू है तो उनका मैं दे रहा हूँ, इंडोनेशिया के लिए दे रहा हूँ। बाकी बिजनेस वीज़ा कुछ भी सऊदी अरब का जितना भी वीज़ा का सर्विस है ना भाई, मेरे पास इंशाल्लाह आपको कम रेट में मिलेगा, कम आप लोग एक बार कंपेयर कर लेना। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। किसी को भी सर्विस चाहिए मुझसे, मेरे टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।